गीता को आधार मानकर अपने चिंतन धारा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान से अर्जुन ने यह पूछा कि मेरा पूरा शरीर शक्तिहीन निस्तेज हो गया, बुद्धि विभ्रम में है, मुझे मेरा लक्ष्य नहीं सूझ रहा, आप ही मुझे मेरा मार्ग दिखाओ। ये एक ऐसे हृदय की पुकार है जो शिष्य का हृदय है। भटके भी इस संसार में जन्मों से भ्रमित मुझ जीव का उद्धार कैसे हो, हे परम गुरु मुझे मार्ग दिखाओ। और कृष्ण उस ज्ञान को गीता के माध्यम से देते हैं, जहां ये भी बताते हैं कि जहां मेरा धाम है तुम्हें वहां जाना है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, तद्धाम परमम मम, वह धाम परम धाम मेरा है जहां सूर्य नहीं है लेकिन कोटि सूर्यों का प्रकाश है, चंद्रमा नहीं है लेकिन चंद्रमा की चांदनी जैसी चांदनी जहां छिटक रही है, कोई अग्नि कोई दीप नहीं है और करोड़ों दीप जहां जल रहे हैं। मैं तुम्हें उधर ले चलना चाहता हूं जो मेरा धाम है, जहां कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई निर्धनता नहीं, कोई अशक्त रूप नहीं, जहां संपन्नता है, जहां परम शांति, परम सौभाग्य, परम आनंद, जहां पूर्ण निरोगता, जहां पूर्ण रूप से निर्भयता। और ध्यान रखिए कि मनुष्य यही चाहता है, मनुष्य चाहता है कि ऐसा कुछ धन मिल जाए कि फिर निर्धनता जीवन में ना हो, गरीबी का दुख देखना ना पड़े, दूसरों का मोहताज ना होना पड़े, किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, आंख में आंसू ना हो, सदा के लिए मुस्कान मिल जाए, इतना ऊपर उठा दे कि फिर नीचे गिरने की उम्मीद ना हो, और ऐसी शक्ति दे कि किसी के सामने अशक्त अनुभव ना करो। मैं चाहता हूं इतना अनंत अनंत प्रेम जिसे पाने के बाद मुझे पूर्णता अनुभव हो और मैं समझूं अब किसी और रिश्ते की जरूरत नहीं, तुझे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, तुझसे बढ़कर कोई रिश्ता दुनिया में नहीं। वही रिश्ता तो परमात्मा का है। आदमी यही चाहता है कि ऐसा बड़ा ऊंचा पद मुझे मिल जाए, उससे बड़ा कोई पद नहीं होना चाहिए, वो आखिरी शिखर हो, मैं वहां पहुंच जाऊं कि जहां ईर्ष्या द्वेष भी खत्म हो जाते हैं, जहां प्रतिस्पर्धा भी खत्म हो जाती है। कवियों ने अपने ढंग से लिखा, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, जिंदगी का मार्ग ये नहीं है कि कहीं किसी पड़ाव पर पहुंचकर विश्राम लेने लग जाएं और कहें बस यहीं तक पहुंचना था। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, जहां जाने के बाद सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं, सारे रास्ते जहां आकर मिल जाते हैं, जिंदगी को वहां पहुंचाना चाहिए और वो मार्ग
जहां जाकर संपन्न होता है वहां धाम परमात्मा का धाम है, वहां तक पहुंचना है। उस ऊंचाई तक, उस शिखर तक पहुंचने के लिए ही हमें जन्म दिया गया है। इसलिए हमारे प्राणों से यह पुकार उठनी चाहिए अपने परमात्मा के चरणों में बैठकर के, मुझे मेरा मार्ग सुझाओ, मेरी पहचान मुझे दो, भूल गया हूं, मुझे फिर से मेरी याद दिलाओ। मेरे प्यारे, मेरे परमात्मा, मेरे मित्र, मेरे सखा, अर्जुन सखा ही कहता है अपने गोविंद को। सदगुरु मित्र बन गया और मित्र बनकर अपना विराट रूप भी दिखाता है और दिव्य चक्षु भी देता है। गुरु एक चक्षु देता है, एक आंख देखता है। उस आंख से जब संसार आप देखते हो तो संसार कुछ और नजर आता है। गुरु के द्वारा दी गई दृष्टि से संसार कुछ अद्भुत नजर आता है। और ये ध्यान रख लेना, आसमान में सितारे हों लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश उतर आया वो भी एक सितारा ही बन जाता है। उसके अंदर भी प्रकाश उसी तरह से प्रकाशित होने लग जाता है। उसके अपने अंदर के प्रेम का स्पर्श आसपास के लोगों में जैसे जैसे होता है उनको भी ठंडक मिलनी शुरू हो जाती है, शांति आनी शुरू हो जाती है। ऐसे सौभाग्यशाली भक्त लोग जिस घर में होते हैं 24 पीढ़ियां तरती हैं उनकी, पुरानी पीढ़ियां तार गए, अगली पीढ़ियों को भी तार गए, उस स्थान का कल्याण कर दिया जिस जगत जन्म लिया। कोई तुकाराम, कोई संत एकनाथ, किसी घर में जन्म ले, कोई पुरंदर दास, कहीं सहजोबाई, कहीं दयाबाई, कहीं रमाबाई, कहीं मीराबाई, कहीं कर्माबाई, किसी घर में जन्म ले, उनकी पीढ़ियां तर जाएंगे। आसमान से जैसे सितारे नीचे उतर आए हों, ये सितारे कोई और नहीं होते, परमात्मा के लाडले भक्त ही हुआ करते हैं जिनका जीवन भक्ति बन जाता है। कोई थोड़ा सा धन माल पाकर खुश है, कोई मकान बनाकर खुश है, कोई रिश्ते जोड़कर खुश है, लेकिन वो सबसे ज्यादा खुश है जिसका रिश्ता परमात्मा से जुड़ गया, उससे जिसका संबंध जुड़ गया। इसलिए जैसे जैसे प्रभात में आसमान में लाली आनी शुरू हो, दिशाएं अंधेरे से भरी हैं और आसमान में तारे अपनी बारात समेटने में लगे हैं, आसमानों से उतरती भी ओस की बूंदें घास पर मोती बनकर जब चमक रही हो, ठंडी धीमी धीमी वायु समीरण करते करते जब पत्तों में सरसराहट पैदा कर रही थी, मंदिर में अभी घंटे बजे नहीं, शंख ध्वनि हुई नहीं, पूरी दुनिया आलस्य में सोई पड़ी है, पूरब दिशा के माथे पर एक लाली माँ का तिलक उभरा है और कोई परमात्मा का लाडला परमात्मा के प्यार में विवल होकर अपना स्नान आदि करने के बाद आसन और माला संभालता है और जिह्वा पर नाम बसाते बसाते वो जिह्वा पर उतरा हुआ नाम धीरे धीरे प्राणों में उतरता है, प्राणों से मन में, मन से बुद्धि में, बुद्धि से चित्त में, चित्त से आत्मा में, और धीरे धीरे अंतर में अनुभव करता है दुनिया तो नहीं है अंदर लेकिन दुनिया का मालिक अंदर आ गया है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंग का नीर पवित्र हो गया मन, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब भगवान पीछे पीछे है, देव शक्तियां आसमानों में आती हैं प्रभात में, लाडला प्यारा परमात्मा का जागे सुबह, सेहत मांगोगे तो सेहत मिलेगी, शांति मांगोगे तो शांति मिलेगी, धन की कमी है तो बैठो धन से धन्य हो जाओगे, और भक्ति मांगते हो जन्म सुधर जाएगा,
मीरा ने ऐसे ही तो बोला था, औरों का पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाती, मेरा पिया हृदय में बसे है, देखो प्रेम से दिन रात लगाकर झांकी। रात दिन देखती हूं, अंदर झांकी लगाती हूं, औरों का पिया परदेश बसत है, घर छोड़ के चला जाता है, चिट्ठियां भेज रहे हैं, लेकिन हमारा अपना स्वामी तो हमारे अंदर में बसा हुआ है। ध्यान लगाएं तो अंदर दर्शन होते हैं। उस दर्शन होने का मतलब ये नहीं है कि कोई धनुष बाण लेकर राम जी खड़े होंगे, या बांसुरी वाले कन्हैया सामने आएंगे, या डमरूधारी शिव नृत्य करते हुए डमरू बजाते हुए सामने पहुंच जाएंगे। बहुतों को सपने में भगवान दिखाई देते हैं, थोड़ा सा मन लग जाता है, कोई कामना करते करते चित्त में जैसे भाव आ जाते हैं, दर्शन हो जाते हैं। लेकिन जब तक प्राण में भगवान न बसे तब तक वो दर्शन भी लाभ नहीं देता। और जब अंदर दर्शन होने लग जाते हैं, ध्यान रखना, ध्यान में अंदर दर्शन होने लग जाए तो फिर हर जगह आपको अनुभव होगा गोविंद सामने जैसे हाथ पकड़कर चल रहे हैं। भक्ति में चाहे ध्यान के द्वारा पहुंचो या भजन के द्वारा, आपका कीर्तन भी इतना तल्लीन कर दे आपको, अपनी शुद्ध बुद्ध खो दे, आपकी पूजा शुद्ध बुद्ध खो दे आपके। रामकृष्ण परमहंस, उनकी पूजा का ढंग भी अद्भुत था। जब देवता के लिए प्रसाद तैयार होता था तो वो कहते थे, रुको रुको रुको, पहले मुझे देखने दो, चख लेने दो, फिर भोग लगाऊंगा। और देखने के बाद फिर वो कहते थे, हाँ ठीक है, अब खाने के बाद फिर उस भोग को लेकर जाएं, भगवान को देकर आए। खबर पहुंच गई ट्रस्टियों को, मंदिर के ट्रस्टियों को, बैठ गए सब इकट्ठे होकर, ये कोई नियम है, भगवान को जिमाए बिना तुम जीम रहे हो, उनको खिलाए बिना खा रहे हो, उनको पहले खिलाओ, ये तो झूठा हो गया, ये नियम नहीं जानते तुम लोग, तुम्हें तो नियम हमें बताने चाहिए, तुम खुद नियम तोड़ रहे हो। उन्होंने कहा, कौन सा नियम? पूजा का। अब पूजा का नियम जानते हो क्या होता है? पूजा का नियम रामकृष्ण परमहंस कहते हैं प्रेम होता है, और प्रेम मैंने अपनी माँ से सीखा है कि जब भी उसने मुझे खिलाया पहले खुद खा के देख लिया मेरे बेटे के खाने के लायक है या नहीं, और जब उसने देख लिया कि मेरे बच्चे को दिया जा सकता है तो उसने मुझे खिलाया। उसने तो यहां तक भी देख लिया, ज्यादा गर्म ना हो, जीभ ना जल जाए। वो मुझे प्यार करती है, उसका प्यार केवल मेरे तक टिका हुआ, अपने बेटे तक टिका हुआ है, पर जो दुनिया का मालिक है अपना समस्त प्रेम, मेरा रिश्ता नाता और किसी से नहीं, मेरे भगवान से है। और अपने भगवान को जब भोग लगाऊंगा तो कुछ भी ऐसे दे दूं ऐसा संभव नहीं है, पहले चख लेना जरूरी है। बिलनी ने भी चखे थे पहले बेर कि मेरे राम के लायक है या नहीं, बात झूठी की नहीं है। उस पेड़ को चख लिया कि इस पेड़ के ये फल थोड़े से ज्यादा पके हुए हों, थोड़ा सा उसमें से तोड़ के मुंह में डाल लिया, उसने सारी मिठास भगवान को अर्पित कर दूं, सारा प्रेम भगवान को अर्पित कर दूं, कड़वाहट मेरे नाम रह जाए, प्यार परमात्मा तक पहुंच जाए। जब आपका प्रेम भगवान तक पहुंचने लग जाता है तो समझ लेना आपकी भक्ति सफल होने लग गई है, क्योंकि पूजा नहीं पहुंचती, पूजा के माध्यम से प्रकट किया गया प्रेम ही भगवान तक पहुंचा करता है। इसलिए जब भी आप कोई पूजा करते हैं समझ लेना वो प्रेम है या नहीं है। इस प्रेम को ही श्रद्धा कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। जब तक आपकी पूजा प्रेम ना बन जाए, एक फूल भी अर्पित करोगे उस
फूल में भी महसूस होना चाहिए, अनंत प्रेम। और ये ध्यान रख लेना कि कोई सेवा करते करते पहुंच जाएगा, कोई जाप करते हुए पहुंचेगा, कोई पूजा पाठ करते हुए पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचेगा वही जिसके प्राणों में अनंत प्रेम होगा। इसलिए जब भी आप भक्ति करें, यहां समय का कोई मतलब नहीं होता, ये नाटक नहीं है। यहां घड़ी देख करके आप पूजा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो 2 मिनट में भी हो सकता है और हो सकता है 200 मिनट में भी ना काम बने। जब तक आप द्रवित ना हो जाएं, लिक्विड फॉर्म में ना आ जाएं, बह ना जाएं, आपका ठोसपन पिघल ना जाए, मक्खन मिश्री जैसी स्थिति बना लीजिए, गोविंद को यही पसंद है, मक्खन को पिघलना चाहिए, मिश्री को घुल जाना चाहिए, भक्त को घुल जाना चाहिए और भक्त को मक्खन की तरह पिघल जाना चाहिए। कन्हैया स्वीकार करेंगे, गोविंद स्वीकार करेंगे, सांचे में ढलने का नियम यही है। कोई सेवा करते करते अपने आप को हनुमान की तरह, हनुमान जी को, वीर बजरंगी को ध्यान से देखना, वो सेवक और सैनिक दो रूप दिखाई देते हैं, हाथ में गदा, सेवक और गदा लेकर खड़ा हो, सेवक का गदा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सैनिक भी हैं अपने राम के और सेवक भी हैं। सेवक हैं तो इतने अद्भुत सेवा ढूंढते हैं, सेवा मिल जाए तो फिर कुछ भी जतन करना पड़े पूरा करके आते हैं। इसलिए हनुमान जी अद्भुत हैं, उनकी सेवा की योजना भी अद्भुत है। काम दिया गया कि सीता जी की का पता लगा कर आओ, लंका में है भी या नहीं, और पूरी कहानी को ना समझ के आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हनुमान जी लंका में गए। कहानी में यह भी आता है कि बहुत सारी बाधाएं, कहानियां तो आप रोज सुनते हो, बड़ा चस्का लेके सुनाई जाती हैं, बीच बीच में जय बुलवाई जाती है, वो तो सब आपको याद है, पर कहानी की वो रहस्यमयता वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दर्शाया गया है कि बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं सामने, सुरसा खड़ी है मुंह फैलाकर, संसार के विषय भोग का रूप लेकर के सुरसा खड़ी है, संसार के पदार्थ बड़े इतना मुंह फैलाए, इच्छा इतना मुंह फैलाए खड़ी रहती है, एक पूरी करो और मुंह फैल जाता है। हनुमान जी ने भी अपना आकार बड़ा किया, जितनी बड़ी इच्छा उतनी बड़ी शक्ति पैदा कर ली अपनी, जितना सुरसा मुंह फैलाए उतना ही हनुमान जी आकार बढ़ाए। और सार में बात समझ लीजिए, हनुमान जी ने देखा कि ऐसे नहीं जीता जा सकता, इस प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलना है, एक इच्छा पूरी हो गई दूसरी को जन्म दे जाएगी, तीसरी को जन्म दे जाएगी, इच्छाएं बढ़ती रहेंगी, इच्छा का खिलौना कभी नहीं टूटता, याद रखना। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं, ये खिलौने पकड़ा दिए इच्छा के भगवान ने, सारी जिंदगी इससे खेल रहे हैं हम बच्चे, खिलौनों से खेलते हैं हम, इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, झुकाना नहीं जानते, छोटा नहीं करना जानते। हनुमान जी ने अपने आप को छोटा किया, सुरसा के मुख से पार हुए, दिखाया गया कि बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, कहाँ झुकना है, कहाँ तनना है, कहाँ झुकाना है और कहाँ झुकना है, कहाँ मानना है और कहाँ मनाना है, कहाँ दबाना है, कहाँ दब जाना है, कहाँ एडजस्ट करना और कहाँ एडजस्ट कराना है, ये याद रख लेना। कुछ लोगों को एडजस्ट करना तो आता है, तालमेल मिलाना तो आता है, पर दूसरों से तालमेल मिलाने के लिए मजबूर करना नहीं आता। कोई कोई घर में महिला इतना दबती जाएगी, दबती जाएगी, दबती जाएगी, सब उसे दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, गड्ढे में घुस जाए वहां तक भी दबाएंगे, फिर मिट्टी डालेंगे ऊपर से, झुको पर झुकाओ भी सही, मिलो मिलाओ, मानो और मनवाओ, दोनों चीजें आनी चाहिए, याद रख लीजिए।
अपनी बात मनवाना भी आना चाहिए और दूसरे की बात मानना भी आना चाहिए, मिलना भी आना चाहिए, मिलाना भी आना चाहिए। हनुमान जी ने कर दिया वही सब काम, जहां झुकना चाहिए झुक गए, जहां छोटा बनना चाहिए था छोटा बने, उनको लगा के समय खराब नहीं करना, पार हुए और आगे बढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी में। अब जो मैं समझाना चाहता हूं, जो विषय था, हनुमान जी गए, उनका प्रबंधन उनका मैनेजमेंट अद्भुत, कम खर्च लगे, वैसे तो पर वो राजनीति हो जाएगी, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाने के लिए पहले तो राजा रावण के महलों में पहुंचे और वहां जगह जगह देखा और महसूस हुआ कि यहाँ के श्रृंगार में, यहाँ के रहन सहन में, यहाँ की शैली में जो महिलाएं हैं वो सीता जी नहीं हो सकती। वाल्मीकि रामायण में जैसे आगे वर्णन आया कि रात बीत गई, सुबह होने लगी तो सूरज का आगमन था, पक्षियों का कलरव जैसे अभी भी हम लोग सुन रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, बहुत बोलते हैं थोड़ी देर तक ये लोग, और उसके बाद अपने पंख सिकोड़ कर घोंसलों में चोंच अपने अंदर समेट कर शांति में उतर आते हैं। पूरी प्रकृति ऐसा ही करती है और सूरज जैसे ही आता है तो सबके अंदर फूल खिलने लग जाते हैं, पत्तियां फैलने लग जाती हैं, तालाब में लहरें देखने लग जाते हैं हम लोग, और किसी झील में एकाएक खिला हुआ कमल उसकी शोभा बनकर शोभान्वित होने लग जाता है, पूरा वातावरण बदल जाता है। सूरज आया है तो पल्ले में पड़ा हुआ बच्चा भी अपने पांव चलाने लग जाता है, साइकिलिंग शुरू, एक्सरसाइज शुरू, जागृति आ जाती है। हनुमान जी ने देखा कि आसमान में लाली आ गई है, ये समय है जहां हमारी परंपरा के लोग, आर्य संस्कृति के लोग, देव संस्कृति के लोग सुबह उठकर अपनी साधना में अपने ध्यान में बैठा करते हैं। और कैसी जगह बैठना चाहिए, उपहरे गिरिनाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रोजायत, पर्वत श्रृंखला, कोई गुफा, कोई जल का स्रोत, समुद्र का तट या सरोवर तट, नदी का तट, प्रकृति का सुरम्य वातावरण, ऐसे किसी स्थान में परमात्मा का लाडला, परमात्मा का प्यारा या फिर कोई दिव्य आत्मा उस जगह बैठ करके अपने शक्ति को परम सत्ता से जोड़ते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप आपके मंदिर भी उस सत्ता से किस तरह से जुड़े हुए हैं, मंदिर का गुंबद ध्यान से देखना, मंदिर पर लगा हुआ कलश पीतल का, तांबे का, चांदी का, सोने का, यही होता है सुचालक धातु, कॉस्मिक एनर्जी को खींचने के लिए। आंखों की तरफ ज्यादा देखते हैं, नथुने होठ चाल ढाल क्या हरकत करता व्यक्ति, तो आंखों में पूरा प्रभाव आया हुआ होता है उस समय। तो जब देवता की आंखों की तरफ देखता हुआ व्यक्ति ध्यान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, तो संबंध बन रहा है मूर्ति से, पर मूर्ति में आती हुई ऊर्जा और मूर्ति में जो ऊर्जा आ रही है, जहां से आ रही है, उस पर ब्रह्म परमेश्वर से आपका सीधा संबंध जुड़ता है। और जब आपकी भक्ति में इतनी ऊंचाई आ जाए कि मूर्ति का पत्थर गायब हो जाए और साक्षात भगवान नजर आने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए अब आपकी भक्ति में रंग लगना शुरू हुआ। और तब मजा ये होगा
कभी कभी तो आप आंख में आंसू भर के बोलने लग जाते, नाराज मत होना, गलती हो गई, माफ कर देना ना भगवान, अब नहीं करूंगा। दोनों कानों को हाथ लगाता है आदमी। और कभी आपको लगता है कि आज मेरे साथ मेरे भगवान भी हंस रहे हैं। और कभी तो ये भी अनुभव होगा कि जैसे सिर पर हाथ रख दिया हो आकर, देखने में लगता है कि ये भावुकता है, पर भावुकता नहीं, ये प्रेम है जो आपको परम से जोड़ता है। तो हनुमान जी गए नदी के किनारे एक चलते चलते, और उन्होंने एक सुंदर वाटिका में एक पेड़ के नीचे एक दिव्य आभा को, दिव्य मूर्ति को, एक महिला को देखा और अनुभव किया कि ये सीता जी हो सकती हैं। और उसके बाद आंखें बंद की और जो छवि अपने मन में बसाई थी उस छवि के साथ मेल बैठाया तो अनुभव हुआ सीता जी यही है। अब सेवा देखिए, उसके बाद की कहानी में यह आता है कि हनुमान जी ने वहां अपना प्रभाव दिखाने के लिए दुष्टों को कपाने का काम किया कि जिससे उनका डर इनके मन से निकले। रावण की लंका में भी आग लगाई, रावण को भी डरा दिया और पूरी लंका के अंदर एक खलबली पैदा करके ये समझा दिया कि अभी तो एक आया है, अगर सारे आ गए तो क्या होगा। ये सब दर्शाने के बाद, सीता जी को भी विश्वास दिलाने के बाद, अब एक काम बाकी था। सीता जी का पता लग गया, अपना डर भी दिखा दिया गया, इनकी शक्ति भी आंक ली गई, इनकी कमजोरियां भी देख ली गई। अब एक काम बाकी है, मेरे राम को सफलता कैसे मिले। कोई अंदर का आदमी भी मिलना चाहिए, उसी से तो बात बनेगी। तो ढूंढ लिया कि सारी लंका में एक ही विभीषण को खोज लिया। विभीषण सीता जी की निशानी लेकर आए तो उनकी टीम, जो उनका दल था जो समुद्र किनारे बैठा हुआ था, उसको साथ लिया और कहा भाई हम लोग सफल हो गए, तुम लोग साथ चलो। और राम जी के पास जाकर कहते हैं हमारे दल के द्वारा, मतलब मेरी टीम के द्वारा कार्य संपन्न हो गया, सीता जी का पता लगाकर हम लोग आ गए। बस विनम्रता से हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ये नहीं कहा कि ये सब निकम्मे यहीं बैठे रह गए, साथ कोई गया नहीं, मुझे आगे कर दिया राक्षसों के और मैं ही अकेला सब करके आया हूं। हनुमान जी ने ये नहीं किया, अपनी टीम को सम्मान दिया। करे खुद और अपनी टीम को सम्मान दे, उसकी टीम उसके लिए मरने मिटने को तैयार रहती है। हनुमान जी को जोड़ना आता है, सबको मान देना आता है, मिठास बांट दी कड़वाहट के लिए, ये मैनेजमेंट है। सबको जोड़ के रखना, घर को जोड़ के रखना आसान बात नहीं है। और उसके बाद धीरे 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 जैसे राम जी को पता लगा हनुमान क्या है, मुंह से निकल गया तुम मम प्रिय भरत संभाए। हालांकि मेरा विषय रामायण की कथा करना नहीं है, रामायण की कथा के लिए अलग तरह के व्यक्तित्व हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सैनिक भी और सेवक भी, प्रबंधक भी, हनुमान जी क्या है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी, बहुत समझदार, बहुत बुद्धिमान। पर सेवक को देखकर लगता नहीं है बहुत बुद्धिमान होगा, क्योंकि सेवा वाली जगह खड़ा हुआ, जहां ड्यूटी लगा दी वहीं खड़ा है। लेकिन सच्ची सेवा करने वाला कोई व्यक्ति हो तो यह ध्यान रखना, समाधि किसी किसी की लगा करती है, पर सेवा तो सब कोई कर लेता है। पर सेवा को अगर कोई भक्ति बना ले तो हनुमान जी की तरह उसकी भक्ति सफल हो जाती है, जैसे राम जी ने हनुमान को अपना लिया। आपको भी सेवक बनो, साधक बनो, मंत्री बनो ना बनो, भगवान के संतरी जरूर बन जाओ।
कुछ लोग तो संतरे नहीं होते, संतरा ही होते हैं, खटास पैदा करेंगे जरूर। सार में इतना समझ लीजिए, जो अवसर मिला हो उसे खूबी से पूरा करने की कोशिश करें, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि सुधरना नहीं चाहते, सुधारने को तैयार, तो भक्ति से दूर। कितने सारे लोग होते हैं सीखते नहीं, सिखाने के लिए हमेशा तैयार। और कुछ तो ऐसे होते हैं वो कहते हैं समझा तो देंगे हम लोग, बढ़िया से समझा देंगे, पहले हमें ये समझाओ कि समझाना क्या है, बढ़िया समझा देंगे हम। उनसे कोई पूछे तो मैं समझते हो, बोले हम समझे ना समझे पर समझाना बहुत आता है हमको। बस इनसे बचो आप, जो समझे नहीं और समझाने लग जाए, जो सुधरे नहीं और सुधारने लग जाए, जो माने नहीं और मनवाने लग जाए, समस्या सारी यही है। बिना सम्मान दिए सम्मान पाना चाहते हो और बिना मूल्य चुकाए सुविधा भोगना चाहते हो और बिना तपस्या किए ऊंचे पद पर पहुंचना चाहते हो, संभव नहीं है। हनुमान जी हनुमान ऐसे नहीं बन गए। ठीक है एक अवसर हुआ करता हर किसी के लिए, हनुमान जी भी किष्किंधा की गुफा में बैठे रहते थे। एक समय आया उनके जीवन में जब राम जी का प्राकट्य हुआ तो हनुमान का भी प्राकट्य हुआ। हनुमान के अंदर से उनकी जो जन्म ज्योत थी, जन्म से जो ज्योति थी उनकी, वो जागृत हुई। उसके बाद हनुमान हनुमान, आपके अंदर की शक्ति को भी जगाने वाला होना चाहिए कोई। आपके अंदर की, आपके भीतर की आग जब बुझ जाती है उसे जगाने का काम सदगुरु किया करता है। रास्ता भूले परम पिता का याद दिलाने आए तुम, सदगुरु आता है। रास्ता भूले परम पिता का याद दिलाने आए तुम, मेरे अंधियारे मन मंदिर में दीप जलाने आए तुम। मैं तो अंधेरों से भरा था तो तुम आए तो भीतर की ज्योति जागृत होनी शुरू हो गई। और किसी भी अहंकार में पद का, प्रतिष्ठा का, धन का, रूप का, कुल का, कोई भी अहम, कोई भी मद लेकर गुरु के निकट मत जाना, सामान्य बन जाना। अर्जुन ने जैसे कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूं पर आपका शिष्य हूं और आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हूं, इसलिए मुझे मेरा मार्ग सुझाओ, मैं किधर जाऊं। और कृष्ण ये समझाते हैं कि मैं तुम्हें कहां ले जाना चाहता हूं, वो बताते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाने के बाद लौटना नहीं चाहोगे, वो है मेरा धाम। जहां पहुंचने के बाद तुम्हें लगेगा कि बस और पाना बाकी नहीं, और पहुंचना बाकी नहीं। पश्चिम का मनोविज्ञान और मोटिवेशनल मास्टर जितने भी हैं, कुछ से हम इंस्पायर होते हैं, कोई हमें मोटिवेट करता है, वो एक बात बार बार बोलते हैं, तुम्हारी यात्रा किस और, शब्दों पर ध्यान देना, तुम्हारी यात्रा किस और है, सफलता की ओर या फिर सिर्फ पागलों की तरफ भटकते घूमते हो, इधर चले गए उधर चले गए, यहां गए वहां आए। और अगर ऐसी जिंदगी पूरी कर रहे हो तो तुम जिंदगी की कीमत नहीं मानते, तुम्हारी जिंदगी की कीमत दूसरा फिर क्यों लगाएगा। खुद को आदर देना सीखिए, दुनिया आदर देगी। अपनी नजरों में अपना सम्मान बढ़ाओ, अपनी गरिमा बनाओ। इसलिए मैं भी एक बात कहा करता हूं, वे जो तुम्हें हर पल नीचा दिखाना चाहते हैं,
वे लोग जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, वे लोग जिनको तुम्हारी निंदा करने की फुर्सत है, वे लोग जो आपकी राह में बाधा हर समय डालते हैं, अगर चाहते हो कि वो दूर हो जाएं, तो पहला काम ये करो कि खुद को ऊंचा उठाना शुरू करो, खुद को योग्य बनाना शुरू करो। अपनी नजरों में पहले ऊंचा उठो और अपनी कल्पना में अपने आप को वहां बैठाओ जहां तुम बैठना चाहते हो, और फिर उसकी कोशिश करो। जिस दिन तुम्हारे अंदर यह आकर्षण पैदा हो जाएगा, उस दिन तुम्हें मान देने वाले लोग आगे आ जाएंगे और अपमान करने वाले दूर भागने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप की गरिमा तो समझो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे लोग अच्छे नहीं, मेरे मित्र अच्छे नहीं, मैं गरीब घर में पला हूँ, मेरे माँ बाप ने भी मेरा साथ नहीं दिया, और तो और पत्नी तो बिल्कुल साथ नहीं देती। मैं अंबाला बोलता हूँ, वो पटियाला बोलती है। अब किसी किसी के साथ तो बड़ी मुसीबत होती है, घर में झगड़ा हो रहा है, पड़ोस में एक आदमी आया पति पत्नी को समझाने के लिए, बोले कभी तुम्हारा मन एक हुआ, विचार एक हुए, कभी एक रास्ते से इकट्ठे भी गए? पत्नी बोली बस हाँ एक दिन गए थे। बोले जिस दिन घर में आग लगी थी ना, एक ही रास्ते से भागे थे दोनों, पर बाकी जिंदगी एक रास्ते पर चले ही नहीं कभी, एक इधर बोल रहा है एक उधर बोल रहा है। जो कुछ कहेगा पति पत्नी ने सीधा उल्टा कहना है। और किसी का पति ऐसा होता, पत्नी कहे तो इसको तो समझ ही नहीं है, मैं समझदार। अब पत्नी जानती है कि थोड़ी देर के बाद ये चोट खाकर आएगा और मुंह फुला के बैठेगा, और उसके बाद गलती फिर भी नहीं मानेगा, दुखी होगा जरूर। लेकिन ध्यान रख लीजिए, जहां मेल नहीं है ना, सुख शांति भी नहीं, घर में बरकत नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में कलह कलेश है, बड़ा सुंदर एक श्लोक है, भूम्या हसंती मम भूमि रीति ब्रवाणम, ये जमीन हसती है। जब कोई ये कहता है कि मैं इस जमीन का मालिक हूं, अर्था हसंती उचित दान विहीन लुब्धम, ये धन भी हंसता है उसे देखकर। जिसने अपने धन का उपयोग नहीं किया, जोड़ जोड़ कर रख लिया तिजोरी में, देख देख कर खुश होता है, धन उसको देखकर हंसता है और कहता है मैं तेरा साथ निभाना चाहता था इस लोक से उस लोक तक, पर तुझे आया नहीं इसका प्रयोग करना, इसलिए तेरा धन ही तेरी चिंता का कारण बनेगा। और कहा अक्षा हसंती विषयेषु अधिरूढ़ चित्तम, आंखें भी हंसने लग जाती हैं, जहां देखना था इसको वहां नहीं देखता, इसके अंदर तो विकृति भरी हुई है, कीचड़ में वासनाओं के फंसा है। जिसके दर्शन करने के लिए आया था उसके दर्शन नहीं कर रहा है, तो ये आंखें भी मिली तो किस काम की, लक्ष्य देखता, मंजिल देखता, परमात्मा को देखता और अपने कर्तव्य को देखता, तो आंखें भी धन्य हो जाती। मृत्युर ह सत्यमृत भक्ति विहीन मूढ़म, कहते हैं मृत्यु भी हंसती है कि अमर करने का, खुद को यमराज के पंजे से खुद को छुड़ाने का एक मौका तुझे मनुष्य के देह में दिया गया था, और कितना मूर्ख निकला। बार बार जन्म लेना और मरने के चक्र में फिर से फंस गया, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का कोई रास्ता नहीं, तुम तो एक दायरे में रोज घूमते घूमते जीवन को पूरा कर रहे हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, मनुष्य की देह बहुत कीमती है, इस कीमती जीवन को अगर हम और कीमती बनाना चाहते हैं तो खुद को मूल्य देना सीख जाइए, खुद का मान करना सीख जाइए। और ये रोना नहीं, रोइए मेरी गरीबी मेरी बाधक है,
मेरा वक्त ठीक नहीं है, मेरा साथ देने वाले ठीक नहीं है, किस्मत काम नहीं कर रही। अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप अपने अंदर की बुझी हुई आग को जगाने के लिए तैयार हैं और आपको बुझी हुई आग को जगाने वाला सदगुरु आपके जीवन में है और आप सदगुरु के साथ जुड़े रहते हैं तो आपकी आग कभी बुझेगी नहीं। दुर्भाग्य कितना भी हो सौभाग्य में बदलेगा जरूर, और मुसीबतें कैसी भी हों आप उनके पार निकलोगे जरूर। इसलिए टैगोर की प्रार्थना को याद करना, जहां उन्होंने कहा था कि नहीं मांगता तुझसे सीधे सरल पथ पर चलने के लिए, मैं तो मांगता हूं ये कि टेढ़े मार्गों पर भी सरलता से चलना मुझे आ जाए, ये आशीर्वाद मुझे मिले। मैं भी ये बात कहा करता हूं कि जिम्मेदारियों का बोझ कितना भी हो भगवान से कभी ये मत मांगना कि जिम्मेदारियां कम कर लो। प्रार्थना हमेशा यही कहना, जिम्मेदारियां जितनी बढ़ा सकता है बढ़ा, लेकिन जिम्मेदारियों को उठाने की ताकत भी मेरे कंधों में जरूर दे कि जिससे मैं हर जिम्मेदारी निभा सकूं, तो कंधे मजबूत हों मेरे। उलझने कितनी भी हो सुलझाने की बुद्धि दे और दुखों के बीच मुस्कुराने की शक्ति दे। अपनों को भी ऊपर उठा सकूं और अपने आप को भी ऊंचा उठा सकूं। अपनी मृत प्रार्थनाएं मत कीजिए, जिस कौम की मुर्दा प्रार्थनाएं हुआ करती हैं वो मुर्दा ही रह जाते हैं। अपनी प्रार्थनाओं में बल भरिए। ये जो मौका मिलता है ना आपको जब यहां बैठने का, तो अपने मन में बोल दिया करो कि तेरी सुलगाए भी आग पर राख आ गई है, कुछ ईंधन कुछ आहुति डाल के फिर से जागृत हो सकूं, प्रकाशमान हो सकूं। हमारी यात्रा भूलोक से शिवलोक की यात्रा है, उस यात्रा पर अगर हम अग्रसर हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए इस दुनिया में हैं, और खुद को बदलने की अपनी ताकत को कभी कम करके मत आंको। लोग कहते हैं ना मैं बदल नहीं सकता, मैं अपनी आदतें नहीं सुधार सकता, जैसी आदत बन गई अब क्या करूं। लेकिन ऐसा नहीं, हम दूसरों को बदलने में समझते हैं कि बहुत आसान है, दूसरों के लिए सोचते हैं सुधरना बहुत आसान, पर यही चीज जब अपने लिए हम टटोलते हैं कहते बड़ा मुश्किल, और आखिर में कहने लग जाते हैं अब तो जैसे बनना था बन गए, अब तो आगे जाके अगले जन्म में कुछ होगा, अब नहीं संभव है। कभी आप हरियाणा पंजाब की तरफ जा रहे हो तो गाड़ी के पीछे लिखा होता है ये तो ऐसे ही चलेगी, और उनकी भाषा होती ये तो यूं ही चलेगी, मतलब ये कि ये गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी, तुम्हारे पीछे हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होगा, और कुछ तो सीधा ही सीधा लिख देते हैं हम नहीं सुधरेंगे। पर वो फिर भी हिम्मत ही है, लिख तो लेते हैं, बाकी तो ज्यादातर लोगों के अंदर लिखा हुआ होता है हम नहीं सुधरेंगे। बच्चे बोल रहे होते हैं कोई विज्ञापन चलता है ना, सारे घर के बदल डालेंगे, अब कमाल की बात है कि सारे घर को बदलने के लिए सब तैयार पर खुद को बदलने के लिए कोई तैयार नहीं। आस्तिक शुरुआत होनी चाहिए, प्यार भरी शुरुआत, थोड़ी कोशिश तो करो। किसी आदत को सुधारना हो तो 3 सप्ताह लगातार वो करिए जो आप करना चाहते हैं, और जिस चीज को हटाना चाहते हैं उसके प्रति मन में वैराग्य पैदा करो, और 6 सप्ताह अभ्यास करके देखिए पूरे बदल जाओगे आप। एक परंपरा है हमारे देश के,
पूरा पूरा व्यक्ति का व्यक्तित्व बदला जा सके तो उसको कहते हैं चांद्रायण तप। एक महीने का तप है, अद्भुत तप है वो। पूर्णमासी से पूर्णमासी तक का तप होता है। उसमें यही करना होता है कि आपके पंचभूतों की शुद्धि हो। जब आप बैठे हुए हों, साधना कर रहे हों, मैं तन नहीं हूं, शरीर नहीं, प्राण भी नहीं, मन भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं, मैं अहम तत्व भी नहीं, जिस नाम से मुझे जाना जाता है मैं ये भी नहीं हूं, मैं चैतन्य 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 चैतन्य, और ये शरीर आवरण, ये धन साधन, यात्रा पूरी हो सके सुख से, इसके लिए दिए गए ये रिश्ते, तुम्हारी परीक्षा के लिए और तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए दिए गए, ये संसार परीक्षण के लिए दिया गया। मैं चैतन्य हूं, इस राह पर अकेला, मेरे साथ मेरा सद्गुरु, मेरा लाइफ कोच, मेरे जीवन का रक्षक मार्गदर्शक मेरे साथ, मेरी यात्रा परम की ओर, बोल रहा है व्यक्ति। और धीरे 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 उसके अंदर की मलिनता घट रही है, टूट रही है, टूटती जा रही है। परिणाम देखिए, लगता है पीछे जैसे न जाने कितना कितने आवरण, कितनी कितनी मैल छूट रही है, और अंदर से आवाज आती है, कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो कारण जरूर होगा, चलते चलते पहुंच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूं। बुलाने वाला कोई और नहीं, पुकार रही है हमारी आत्मा, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रही हूं। यही है आत्मा की आवाज। इस आवाज को अपने अंदर से गूंजने दीजिए, आवाज अंदर गूंजती रहे, महसूस होता है कि जहां जाने के लिए दुनिया में आए वो खबर मिलने लग गई है। इसलिए आपके जीवन में सद्गुरु का होना बहुत आवश्यक है, मार्गदर्शक चाहिए जो आपकी उंगली पकड़कर आपको चलाए। सुबह एक अवसर आपको मिलेगा, हम लोग ध्यान के लिए बैठेंगे, मैं चाहता हूं थोड़ी थोड़ी जानकारी लेकर अपने प्राण शक्ति को भी बढ़ाइए, चित्त का शोधन करें। जीवन में कुछ नियम आए हैं,
जो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं ना, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थित एकाकी यचित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। योगी व्यक्ति को चाहिए युंजीत सततम आत्मानम, निरंतर अपने आत्म स्वरूप को भगवान से जोड़े रखे। तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारी यात्रा किस ओर है। अनुभव होना चाहिए कि खिलते हुए फूलों में परमात्मा की मुस्कान अनुभव होने लग जाए, चहचहाते हुए पंछियों के मधुर कंठों में परमात्मा के स्वर महसूस होने लग जाए। कोई भी मिठास फलों की देखो, उस कारीगर को याद कर लेना, बड़ा नपतुला हाथ है भगवान का। महिलाओं से मीठा डालने में, नमक डालने में गलती हो जाएगी, खट्टा डालने में गलती हो जाएगी, भगवान जो डालता कितना अद्भुत। गन्ने में कितनी मिठास कैसे देनी है, बड़ा प्यारा। ये जो बेसन जैसे लड्डू, ये आपके चीकू। ये हलवा जो लपेट कर उसने केले के रूप में दिया। ये जो जूस उसने उठाकर एक एक ड्रॉप संतरे के रूप में बंद कर दिया। नारियल के साथ इतना जटा जूट बनाकर लटकाया, 30 फुट ऊपर बाल्टियों तक पानी भर दिया, इतने सारे 50 नारियल लगे हुए हैं। नीचे कोई टुल्लू पंप भी तो नहीं है जो ऊपर, नीचे कोई पावर काम करती हो, मोटर काम करती हो, पानी ऊपर जा रहा है। पूरे नारियल के वृक्ष को आप देख लें, कहीं कोई पंप लगा हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी पंप अपना काम कर रहा है। और ऊपर कारीगर जाकर के वो हलवाई कब चीनी डालता है उस नारियल में, एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं ना आप। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने ये नारियल जैसी चीजों पर को महत्व दीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया करो। नारियल जरूर लो, अद्भुत है, एनर्जी ड्रिंक है ये। और आपके रसोई में जो ये जीरा है, मेथी है, धनिया, दालचीनी, बहुत अद्भुत दवाइयां हैं। आपके आंगन में खड़ी हुई तुलसी बहुत अद्भुत, 108 औषधियां आपके रसोई घर में होती हैं, और तरह तरह के रोगों को दूर करने के लिए। और आपके लिए इतनी इतनी तरह की औषधियां चारों तरफ उगी हुई हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया था आदि शंकराचार्य ने, जब सोना बनकर आंवले, तुम तो ले ही आए हो, रखो 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 रखो। आंवले जो है सोने का रूप लेकर के नीचे गिरे थे, और कहते हैं अगर किसी को समृद्धि से युक्त होना हो तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करो। और एक वरदान सिद्धि विद्या है, मौका लगे तो वो जरूर सीखना। वो विद्या अगर आपको आती है तो समृद्धि को अपनी तरफ खींच लोगे। बस इतना ध्यान रखना कि घर में कलह कलेश मत रखो, नहीं तो आपके घर में धन आएगा और चला जाएगा। घर को व्यवस्थित जितना आप रखोगे, प्रेम पूर्ण रखोगे, उतना आपके रिश्ते और आपका आकर्षण बना रहेगा। वाणी को जितना नियंत्रित रखोगे उतना सम्मान आपका बढ़ेगा। जिह्वा पर सरस्वती का मंत्र का प्रभाव बनाए रखो, भटकोगे नहीं। गुरुजनों का मान करो तो इतनी बड़ी कृपा होती है। गुरु का सम्मान करने से 3 चीजें मिलती हैं, एक तो बरकत, ग्रहों की अनुकूलता, और बुद्धि सुबुद्धि बनी रहती है। तो एक तो अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखिए, जरूर 3 तरह की एक्सरसाइज हर किसी को करनी चाहिए, कार्डियो एक्सरसाइज, थोड़ा स्ट्रेचिंग और थोड़ा प्राणायाम, मतलब थोड़ा योग आसन, और थोड़ा जो है आप जॉगिंग या सैर करें या दौड़ लगाएं, और प्राणायाम जरूर। और हो सके तो ये आंवला एलोवेरा, इसका रस ले लें आप,
आजकल लोग कहते हैं गेहूं के ज्वारों का रस भी जरूर लो, कुछ कहते हैं अश्वगंधा का चूर्ण भी लेना चाहिए, यूरोप अमेरिका वाले कहते हैं सारी चीजें छोड़ दीजिए सिर्फ नोनी लीजिए। 2000 सालों से लाखों लोगों ने जिसको अपनाया वो है नोनी। 150 तरह के रोग ठीक करने की ताकत है उसमें। और अमेरिका में जिस पर ज्यादा से ज्यादा लोग पागल हैं वो है स्पायरुलिना, 600 तरह के रोग दूर कर दे। आयुर्वेद आपका कहता है एक गिलोय घर में रख लो वही बहुत है। गिलोय उगा लेते हैं ना आप लोग, इसी की दातुन करो, गिलोय से बढ़ के कुछ नहीं। और डाइटिशियन कहते हैं पपीता वगैरह जरूर लिया करो, आंतें भी निर्मल रहती हैं और कैंसर जैसी समस्या से भी छुटकारा होगा। वैद्य लोग कहते हैं जैसे उम्र बढ़ने लग जाए तो अर्जुन की छाल उसको पीस करके और उसे उबालो, जब आधा रह जाए पानी ठंडा करके थोड़ा थोड़ा पियो, हार्ट ठीक रहेगा। तो सब लोग बता रहे हैं। हम लोगों ने इसके बारे में बहुत खोजबीन की और खोजबीन करने के बाद जब ये पता लगा वीट ग्रास जूस लेना चाहिए क्योंकि सीधा सीधा लेते ही खून में अवशोषित हो जाता है, इसलिए उसको ग्रीन ब्लड बोलते हैं। तो हमारे सारे टेक्नीशियन, सारे डॉक्टर, सारे वैद्य और साइंटिस्ट उन सबको बैठा करके फिर एक फार्मूला बना, उसका नाम रखा नवरस संजीवनी। हनुमान जी संजीवनी लाए थे ना, उसमें ये 9 चीजें पूरी की पूरी मिला दी, एलोवेरा, आंवला, अश्वगंधा, वीट ग्रास, नोनी, स्पायरुलिना, पपीता, अर्जुना, गिलोय, पपीता, सबको मिलाकर बनाया। तो अगर सुबह सुबह लें आप और अपनी एक्सरसाइज और प्राणायाम जरूर करें, चमत्कार देखना उसका। ये हमारे जैन साहब है ना, ये अच्छा बिजनेस करते थे, सब कुछ छोड़ के हनुमान जी की तरह सेवा में आ गए। उन्होंने कहा कि अब ये सेवा करेंगे और हम लोगों का एक लक्ष्य बना 500 फार्मूले। भारत के सारे बड़े से बड़े जो वैद्य लोग थे जिन्होंने अपनी बहुत प्रसिद्धि पाई लेकिन उनके बच्चे आगे नहीं कर रहे थे इस काम को, या उन्होंने कहा कि हम सेवा के लिए फार्मूला देना चाहते हैं, जो लाखों रुपए जिसके उनको मिल सकते थे बड़ी कंपनियों को बेच देते थे उन्होंने हमको दिए। और वो सारे के सारे लोगों के द्वारा दी गई चीज़ों को फिर हम लोगों ने, एक बहुत बड़ी नामी कंपनी है जो पूरे देश में काम कर रही है, उन्होंने एक नामी बाबा जी के लिए भी काम किया था, वो साथ जुड़े। और फिर एक कंपनी बनी, उसका नाम रखा युग ऋषि आयुर्वेद। और उसके बाद लक्ष्य रखा गया कि इसमें से कमाई आए तो सबसे पहले गवर्नमेंट को लिख कर दो कि इसमें से जो आमदनी आएगी वो केवल सेवा के काम में ही लगेगी, कोई आदमी इसको खर्च नहीं कर सकता। अब सवाल आया कौन सी सेवा में लगे, अनाथ बच्चों के लिए, वो भी अनाथ कौन से, आदिवासी बच्चे जो अनाथ हो गए हों, बूढ़े लोग, उनके लिए भीख मांगते हुए कूड़ा कचरा बीनते हुए उन बच्चों को पढ़ाई के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, गौशाला की वृद्धि के लिए, और भंडारा भोजन के लिए। और जो लोग बूढ़े जिनके मोतियाबिंद हो गया और उनका ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है और उनका कोई दूसरा कराने वाला नहीं, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं और उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं, ये इस तरह की जितनी भी 9 तरह की सेवाएं हैं कि उसमें इसको खर्च किया जाएगा। ये संकल्प लेकर हम लोगों ने अभी 500 में से 50 फार्मूले शुरू किए। और सौभाग्य से जैसे हम लोगों ने ये नोनी बनाया, अभी ये नवरस संजीवनी, इसका प्रभाव थोड़े दिनों में इतना अद्भुत हुआ, बहुत ज़्यादा चल रहा है। दूसरा, हम लोग ये समझते थे कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि शाकाहारी लोग जो है उनको प्रोटीन की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, और जो प्रोटीन ये लोग बाहर से लेना चाहते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ जो है वो मांसाहारी चीज़ें मिली हुई होती हैं।
और ज़्यादातर प्रोटीन जब लेते हैं लोग तो वो किडनी पर असर जरूर करती है। जैसे बच्चे जो 6-7 हज़ार रुपए का डिब्बा लेके आते हैं मसल वगैरह बनाने के लिए, तो उसके बाद हम लोगों ने अपनी नेचुरल चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें इकट्ठी करके उसके लिए फिर एक चीज़ तैयार की, जिसका नाम जब इन लोगों ने मुझे पूछा तो मैंने कहा मेरे मुँह से तो हमेशा निकलता आयुष्मान भव, इसलिए इसका नाम ही आयुष्मान रख दीजिए। और बड़ी खुशी की बात है, सुबह सुबह लोग एक तो नवरस हल्का सा गर्म पानी लिया, हल्का सा नहीं तो यहाँ जैसे आप रह रहे हैं यहाँ तो ताज़ा पानी चलेगा, उसमें आप 30 ml नवरस डाल लीजिए हिला करके, सुबह वो ले लें। एक्सरसाइज करने के बाद आप दूध में 1-2 चम्मच आयुष्मान गोल्ड का प्रोटीन वाला वो ले लें, उसके बाद आप देखिए 1 महीने बाद आप रिजल्ट देंगे, आपकी मांसपेशियां कसनी शुरू हो जाएंगी और विटामिन्स आपके शरीर में प्रोटीन्स इन सब का प्रभाव ये दिखाई देगा, थकावट नहीं दिखाई देगी और चेहरे पर रौनक आनी शुरू हो जाएगी। ये भारत के ऋषियों की का आशीर्वाद है, इसलिए अपने देश का सम्मान बढ़ाइए और अपने स्वदेशी को जितना अपना सकते हैं उसको अपनाएं, इस पर हमें काम करना है। और ये लोग लेकर आए, मुझे दिखाना चाहते हैं, ये आयुष्मान गोल्ड हो गया, ये नवरस संजीवनी हो गया, और जो दांतों के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, सिंगापुर के डॉक्टर भी जिसको पसंद कर रहे हैं, ये आपका शुभ्रदंती। और नहाते समय जो साबुन आप लोग प्रयोग करते हैं तो मैं ये चाहूँगा कि चर्बी वाला कभी मत प्रयोग करना, नहीं तो आप उससे नहाकर देवताओं का पूजन करेंगे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको चाहिए अपनी प्राकृतिक चीज़ें, जो भी बना रहा हो, चंदन हो, नीम हो, हल्दी हो, इससे मिला हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, वो शुभ होगा, उससे स्नान करेंगे शुद्ध माना जाएगा। तो ये शुभ्रदंती साबुन, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ब्लड प्रेशर ठीक रखना और हार्ट ठीक रखना हो। मैं एक बात कहा करता हूँ कि 24 घंटे आपके लिए बिना थके जो आपकी सेवा कर रहा है वो आपका सेवक, आपका हृदय, आपका हार्ट है, और इस हार्ट को चाहे अपना हो या पराया हो कभी दुखी नहीं करना चाहिए, दुखाना नहीं चाहिए। इसलिए आप भी हैप्पी रहें और दूसरा भी हैप्पी रहे, तो हमने दवाई का नाम ही रखा है हैप्पी हार्ट, सबका हार्ट खुश रहे। और च्यवनप्राश और ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और जो जिसने खूब नाम कमा लिया, ये है काश केसरी रस और काशांतक रस, ये है वो खांसी हो जाती है ना जिनको, किसी को सूखी खांसी, उसके लिए अलग दवाई बनाई, एक ही फार्मूला दोनों पे नहीं चलता, अरे गीली खांसी। तो आप ये प्रयोग करके देखना, आश्चर्य करेंगे, 7 दिन में खांसी गायब, एकदम कमाल का प्रभाव। और जिसने चाइना वालों को भी ललचा दिया, वो आपका है ये पीड़ा शांतक ऑयल, घुटनों में दर्द रहता है तो फिर इसकी टैबलेट भी लीजिए, और वैसे मस्कुलर पेन हो तो सिर्फ तेल ही लगा लें काफ़ी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए और पानी की मात्रा अच्छी लें, रात्रि में जब आप सोने लगें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि उससे पहले हल्का फुल्का संगीत सुनिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, और जब आप सोने के लिए जाएं तो कोई दबाव तनाव मन पर मत रखिए। आप अगर चैन की नींद लेना सीख जाएं, आपकी सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाएंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, नाम जपते हुए सोइए और नाम जपते हुए जागिए। आप सुबह सुबह जैसे जागते हैं एक प्रार्थना कर लिया करें, जो मैं शब्द बोलूँगा उसे अब ध्यान से सुन लेना आप लोग। अभी तो हम आपको सेहत दे रहे थे, अब आपको प्रार्थना का एक सूत्र दे रहा हूं, महत्वपूर्ण है। जैसे सुबह आप जागते हैं, मन मन में भगवान का नाम लेकर दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद देना, तेरी कृपा से, तेरी दया से, तेरी मेहर से मेरे प्रभु आज का दिन प्राप्त हुआ, मैं इस दिन को सौभाग्य में बदल सकूं ये आशीर्वाद चाहता हूं।
अब तक जो तूने मुझे दिया उस सब के लिए आभार व्यक्त करता हूं। इस दिन को जो मेरे जिंदगी में एक शुभ अवसर के रूप में मुझे मिला, मैं शांति से व्यतीत करूं, मुझे आशीष दे। मुस्कान सारा दिन चेहरे पर रहे, मुझे आशीष दे। दिन को यादगार बना लूं, तेरे सिर पर हाथ रख। और मेरा समय का दुरुपयोग ना हो, ये सावधानी दे। अपने और परायों को, अपने रिश्तों को और जीवंतता दे सकूं, मुझ पर ये कृपा कर। मेरा दिन शुभ दिन बने, मेरा समय शुभ समय हो। ये घड़ी जब तुम्हें याद कर रहा हूं तो ये शुभ घड़ी हो। मेरे परमात्मा, तेरे नाम से अपने दिन की शुरुआत करता हूं, मेरे अंग संग रहना। ये प्रार्थना करके आप शुरुआत कीजिए। सारा दिन महक रहेगी आपके हृदय में, सारा दिन आपको लगेगा कि जीवन में बहुत कुछ पाया। इतना कर लिया करो आप। अगर नोट नहीं कर पाते, क्योंकि जल्दी जल्दी में नोट नहीं हो पाता, तो बाद में इनसे आप ये सीडी या डीवीडी जो भी ये दें ले लिया करो। आज रिकॉर्ड हुआ तुम्हारा नहीं, या ऐसे तार जोड़ने में लगे रहे? मेरा भी माइक बहुत देर में ठीक किया तुम लोगों ने, मैं भी ऐसे ही गाता ही चला गया। मैंने कहा ठीक हो जाएगा अपने आप, भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई मनोरंजन तो कर नहीं रहे, पर ये भी तार जोड़ने में लगे ही रहे और पता नहीं कब तार जुड़े। पर कमाल ये रहा कि हमारे और आपके तार वहां तक जुड़े रहे, ये अच्छा था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो